दोस्त, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एशिया कप के दूसरे बड़े मुकाबले में हुआ कुछ ऐसा जिसके बाद सभी हैरान रह गए। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की बैटिंग के पहले ही ओवर की लास्ट बॉल पर भुवनेश्वर कुमार ने जोरदार अपील की, जिसे एम्पायर ने नकार दिया। जिसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने रोहित शर्मा से डीआरएस लेने की बात कही और रोहित ने सबसे पूछा और डीआरएस ले लिया। लेकिन विराट कोहली ने रोहित शर्मा से मना किया था डीआरएस लेने के लिए, क्योंकि विराट कोहली स्लिप में खड़े थे और उन्होंने कहा मुझे कोई आवाज नहीं आई है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और वो रोहित शर्मा से कह रहे थे कि मुझे आवाज आई है और ये आउट ही है। रोहित ने इसके बाद भुवनेश्वर कुमार की सुनकर डीआरएस ले लिया और जब डीआरएस में देखा गया तो गेंद बल्ले से बहुत दूर जा रही थी और इंडिया ने अपना रिव्यू गवा दिया। रोहित शर्मा की ये गलती भारत पर भारी पड़ सकती थी और इसके बाद विराट कोहली रोहित शर्मा की डीआरएस लेने के फैसले से काफी नाराज थे। डीआरएस गलत होने के बाद रोहित शर्मा भी काफी उदास थे। इसके बाद रोहित शर्मा विराट कोहली के पास गए और कुछ बातें करते हुए नजर आए। दोस्तों, क्या इसमें रोहित शर्मा की गलती थी या फिर भुवनेश्वर कुमार की? और क्या रोहित शर्मा को विराट कोहली से पूछकर डीआरएस लेना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताना। और एशिया कप के हर मैच की छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई।